नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में बातें बिहार की, खबरें बिहार की, बिहार से जुड़ी वह तमाम खबरें जो आपको रखता है अपडेट। तो दोस्तों, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। जी हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, लेकिन यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अब भारत के नाम होने वाला है, वो भी बिहार के आरा में बनने वाला है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक साथ 75,000 लोग तिरंगा फहराएंगे। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के जिम्मे था, पाकिस्तान ने एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, लेकिन बिहार में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। अगर नजर डाले इस खबर पर तो आज एक साथ जुटे हुए 2.5 लाख लोग एक साथ विजय उत्सव मना रहे। 2.5 लाख लोग, 100 फीट चौड़ा, 900 फीट लंबा, 3 पंडाल में लोग जुटे हुए हैं और 75,000 लोग हाथों में तिरंगा लेकर एक साथ फहराएंगे। 12 बड़े और 50 छोटे द्वार होंगे मैदान के एंट्री के लिए। तो सज धज कर तैयार है और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड आज कायम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की बात करें तो बिहार में बरसात के पहले गांवों का हालचाल की अगर बात करें तो बरसात के पहले गांव की गलियां और सड़कें दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। वहीं नल जल योजना की जांच के लिए, नल जल योजना सहित पीएचईडी विभाग से जो जल आपूर्ति की जा रही है उसकी जांच के लिए 760 टीमें बनाई गई है, जो 6 महीने तक ये टीमें गांव गांव घूमकर डोर 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 टू डोर जाकर जांच करेगी किन घरों में पानी मिल रहा है, किन घरों में पानी नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ वैसे इलाके जहाँ के पानी दूषित है, आर्सेनिक है, जिसमें फ्लोराइड मिला हुआ पानी है, उस वहाँ पर उसका वो ट्रीटमेंट के प्लांट लगाए जाएंगे और वहाँ जो भी परेशानी हो रही है उसे मौके पर दुरुस्त किया जाएगा। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चर्चा में है, राबड़ी देवी के इफ्तार पार्टी में गए हैं। तो वहाँ मुख्यमंत्री का तेजस्वी यादव ने पैर छू कर प्रणाम किया, वहीं चिराग पासवान भी वहाँ पर मिले और प्रणाम किया। चर्चा तो यह है कि तेजस्वी यादव ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो नीतीश कुमार ने कहा वालेकुम सलाम। और यह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार क्या भाजपा से पाला बदलने वाले हैं। जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और मजे की बातें हैं कि नीतीश कुमार पैदल ही रावड़ी के आवास पर तक गए हैं। रावड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी में राजनीतिक जुटान हुआ है। मुख्यमंत्री ने रावड़ी देवी का अभिवादन किया, बहू राजश्री ने पैर छूकर लिया सीएम का आशीर्वाद। करीब 5 साल बाद रावड़ी देवी के आवास में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, चिराग ने भी छुए नीतीश के पांव, लालू परिवार ने किया स्वागत। वहीं डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है। लालू यादव और घर में रहेंगे, कितने देर बाहर रहते हैं देखने वाली बात है। और उनसे बात करेंगे हम कि आज भी कुंवर सिंह जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 80 साल के उम्र में के बाद भी रोज जंग लड़ रहे हैं इस मानवता को बचाने के लिए और इस देश की सेवा कर रहे हैं। और सिवान से एक अजीबो गरीब खबर आ रही है। अगर आप सोचिए, ट्रेन जा रही हो, ट्रेन ड्राइवर को अगर चाय की तलब हो जाए तो क्या करेगा? तो जी हाँ, सिवान से यह खबर आ रही है कि ट्रेन ड्राइवर ने चाय पीने के लिए ट्रेन ही रोक दिया। चाय पीने के लिए ड्राइवर ने रोकी ट्रेन, सहायक ने बाहर से लाकर दी चाय, तब फिर से चली यह ट्रेन। स्टेशन अधीक्षक ने वरीय अधिकारियों से ड्राइवर की शिकायत की है। और जम्मू में पीएम का दौरा, पीएम के दौरे से पहले आत्मघाती हमला करने आए 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। आपको पता है 24 तारीख को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। और ब्रिटिश पीएम की यात्रा की अगर बात करें, दिवाली तक मुफ्त व्यापार समझौता हो जाएगा ब्रिटेन से। अमृतकाल भारत की कई कंपनियां ब्रिटेन से 30,000 नौकरियां देगी। ब्रिटेन में भारतीय कंपनियों के कई कदम हैं। स्कूलों में खिलाई गई कृमि की दवा, 132 बच्चे बीमार। मुंगेर से यह खबर आ रही है, मुंगेर में 89, भागलपुर में 31 और सिवान में 7 बच्चे बीमार हैं। सबसे ज्यादा बख्तियारपुर में बच्चे हुए हैं पीड़ित। और एनआईटी पटना के छात्र अभिषेक ने अमेजन से 1.8 करोड़ का पैकेज। बिहारी छात्रों का दबदबा बना हुआ है, 1.08 करोड़ के पैकेज पर काम किया जा रहा है, उसकी नियुक्ति की गई है अमेजन में। और
अगर हम बात करें कि जो प्रदेश के 28,000 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त है, बारिश से पहले सभी निकायों में दुरुस्त की जाएगी सड़कें। नगर विकास एवं आवास विभाग चला रहा है अभियान। तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री का बयान है, बारिश से पहले नाले की सफाई के साथ ही सड़कों की मरम्मत कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी नहीं हो। इसके लिए प्रदेश के सभी निकायों में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे समय से पहले काम को पूरा किया जा सके। संजय झा ने कहा, विभाग की योजनाओं को मिलेगी नई गति। गति जल संसाधन विभाग को मिले 350 असिस्टेंट इंजीनियर, और स्कूल जाने के लिए शिक्षक निकले थे तो बाइक ने मार दी टक्कर और मौत हो गई। यह खबर आ रही है मधेपुरा से। मधेपुरा में सिंहेश्वर के करनावा में रहने वाले थे जयशंकर, शिक्षक जिन्हें टक्कर मार दिया बाइक ने और उनकी मौके पर मौत हो गई। राज्य के 105 केंद्रों पर होगी इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा। 4,69,88 परीक्षार्थी होंगे शामिल। पटना विश्वविद्यालय कन्वेंशन में 21 मई को, और फ्रांस चुनाव पर रूसी छाया, मैग्रो आगे में मोरिन को राष्ट्रवादी तेवर फीके पड़ गए हैं। वोटिंग कल, मैक्रोस के रूस विरोधी रूख को फ्रांसीसी जनता का समर्थन है। और लॉकडाउन के दौरान 18% ज्यादा बच्चों का इलाज केमिस्ट कंपाउंडर ने किया है। तो इलाज कर विशेषज्ञ डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो 18% ज्यादा बच्चों का इलाज जो है केमिस्ट और कंपाउंडर ने किया है। गाँव का हाल भी वही है, एमबीबीएस डॉक्टर सभी जगह नहीं है। जिन्हें हम झोला छाप डॉक्टर कहकर प्रताड़ित करते हैं, वही आखिर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। अब मिलिट्री ऑपरेशन के दूसरे फेज में अब तक डोनबास और दक्षिणी यूक्रेन पर पूर्ण नियंत्रण की तैयारी में जुट गई है रूस की सेना। और बहुत अच्छी खबर यह है कि कालाजार का इलाज ढूंढ निकाला, उम्र अब 85 की, और कोरोना पर रिसर्च करना चाहते हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर। जी हाँ, पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर 85 साल के हैं, पर आज भी इलाज और सियासत दोनों में के सफल डॉक्टर हैं। और अभी प्रदेश भाजपा के कुशल अंतिकार हैं, सुबह सुबह लोगों से मिलते भी हैं, और कालाजार का इलाज ढूंढा था, अब कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं। राजस्थान में मंदिर पर बुलडोजर, कांग्रेस ने कहा नपा में भाजपा काबिज है, नगर परिषद में भाजपा काबिज है, उसी ने की कार्रवाई। भाजपा सांसद मीणा ने कहा बोर्ड से गलती हुई है। बेचैन नहीं हूँ संतोष, मेरा धन है और शब्द मेरी ऊर्जा है। तो दोस्तों, यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।